यानी इतिहास के पन्नों से निकाला हुआ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। चलिए, वो पता है क्या है? वो है चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन बहुत पढ़े होंगे, है ना, बहुत आप लोग देखे होंगे, समझे होंगे। लेकिन ये देखिए, धुआंधार और बेहतरीन, हर एग्जाम में, हर एग्जाम कंपटीशन लेकर हर चीज तक ये पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन क्या है, चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, है ना, किसके साथ हुआ था, है ना, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये सारे जैसे बहुत ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना, इन्हें समझने की जरूरत है। चलिए इसे बहुत फटाफट अंदाज में आपको समझाते हैं। सबसे पहले चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये आज का टॉपिक रहा है। देखिएगा बाबू, चिपको आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो थी भाई, वो चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी की ओर से की गई थी। ओके, चलिए। और भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल बहुगुणा ने आगे इसका नेतृत्व किया। सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र और गौरा देवी को हम चिपको बीमन के नाम से जानते हैं। चलिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से उठता है कि अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि सुंदरलाल बहुगुणा को किस नाम से जानेंगे, ठीक है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र के नाम से जानते हैं, टॉपिक यहां है। ठीक है, और पूछ दिया जाए टॉपिक में कि गौरा देवी को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिएगा, गौरा देवी को हम चिपको बीमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए, एक नारी होकर, है ना, और इतना सम्मान की, इतना अपना इज्जत शोहरत कमाई, है ना, नाम कमाई, रुतवा कमाई, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर मान के चलिए किसी के पक्ष में आप खड़े होते हैं और पक्ष में खड़ा होकर उसका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, ठीक है, तो आप भी ऐसा पुरुष बन सकते हैं या इंसान बन सकते हैं। ठीक है, चिपको आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, ठीक है, बचाने के लिए गांव के लोग पेड़ से चिपक जाते थे, इसी की वजह से, है ना, चिपको आंदोलन नाम पड़ गया। ठीक है, जब ये शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन, ठीक है, ये क्यों हुआ था भाई? पेड़ को काटने से हुआ था। पेड़ काटने के लिए, है ना, जब कुछ ऐसे ठेकेदार जो यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल मंडल के चमोली जिले और रोनी नामक गांव में हुआ था। सन 1973 में चमोली जिले के रेनी नामक गांव में पहली बार शुरू हुई। ठीक है, यह समझ लीजिएगा, गांव का नाम था हिमालय, हिमालय की ऊंची पर्वत पर यह जब हुई थी। ठीक है, तो क्यों? जब ये पेड़ की कटाई होने पर आई थी तो वहां के स्थानीय लोगों ने पेड़ से पकड़कर, औरतों ने, है ना, बच्चों ने पेड़ को पकड़कर कस के, है ना, और एक में चिपक कर खड़े हो गए थे। ठीक है, पेड़ को पकड़ के चारों तरफ से जकड़ के खड़े हो गए थे कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। सही बात है दोस्तों, पेड़ जो है ना भाई, पेड़ हमारे एक भाई, छोटा भाई या बड़ा भाई कह लो, भाई के सम्मान होता है। आप पूछ सकते हैं कि पेड़ को सर नहीं काटा जाएगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, पेड़ को आप काटिए मत। देखिए, जब इंसान है, हम इंसान हैं, जब तक जीवित हैं तब तक आपसे हम बोलेंगे, बतियाएंगे, मृत्यु हो जाने के बाद क्या होगी? वही अंतिम संस्कार। तो कोई भी पेड़ अगर सूख जा रहा है, उसकी हरियाली चली जा रही है, तो आप उसको जलावन में काम लाइए, या कोई फर्नीचर बनाने में काम लाइए, या कुछ भी बनाने में काम लाइए, उसे कुछ भी सहयोग लीजिए। ठीक है, क्योंकि सजीव और निर्जीव में बहुत अंतर होता है। ठीक है, नन्हे प्यारे, नन्हे मुन्ने, है ना, छोटे छोटे पौधों को उखाड़ना, इसका मतलब पता है क्या? अपने ही बाल बच्चे को, यानी छोटा सा बेबी को, है ना, गर्दन मरोड़ देने के सम्मान होता है, समान होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, गलत बात है। देख लीजिए, आंदोलन इसी से हुआ था भाई। यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत, हिमालय जो था भाई, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल मंडल, याद रखिएगा, हिमालय ऊंची पर्वत गढ़वाल मंडल के चमोली जिले, जिला का नाम क्या था? चमोली जिला था। और चमोली जिले के रेनी नामक गांव का नाम था रेनी। ठीक है, रेनू से याद रखिएगा, रेनी, है ना, चमोली जिले के रेनी नामक गांव में यह हुआ था। कब? सन 1973 में चमोली जिले के रेनी नामक गांव में पहली बार शुरू हुआ यह आंदोलन। यह आंदोलन जो था चिपको आंदोलन के नाम से आप लोग जानते हो अभी बच्चों, तो ये प्यारे बच्चों, यह जो था, ये सन 1973 में चमोली गांव के जिले में हुआ था। I'm right? समझ रहे हैं ना सभी लोग? हाँ, बहुत अच्छा बाबू, समझिए। और क्योंकि समझना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत उठते हैं इनसे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं इसके लिए, इसका, इसी के अंतर्गत मैं एक दिन आप लोगों को पूरे चिपको आंदोलन से पूरा एक वीडियो में बना दूंगा,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देख लीजिएगा। और अभी तो कहानी की बात बता रहे हैं, समझ जाइए पूरा। 1973 में चमोली जिले में रेनी नामक गांव में शुरू हुआ था, ठीक है। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये झगड़ा जो था, ये लड़ाई जो था, है ना, एक ठेकेदार, लकड़ी का ठेकेदार और वहां के जो चमोली जिले के कहां रेनी नामक गांव के जो स्थानीय लोग थे, उन दोनों के बीच में यह लड़ाई शुरू हुआ था, ठीक है। चलिए, यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में फैल गया, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से बड़ा उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश ही माना गया, ठीक है। उत्तराखंड जो था भाई, उत्तर प्रदेश के अन्य भागों में फैल गया। उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं, यूपी है ना। तो उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे अन्य भागे थे जो यह आंदोलन वहां तक फैल गया था। चिपको आंदोलन की वजह से वर्ष 1980 है ना, चिपको आंदोलन है ना की वजह से वर्ष 1980 तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने क्या की थी भाई, एक विधायक बनाया था क्या, ठीक है। इस विधायक में हिमालय क्षेत्रों के वनों को काटने पर 15 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। क्यों लगाया दिया था जी भाई, कि अगर 15 साल का प्रतिबंध लग जाता है तो यहां पर कोई ना आएगा ना जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए कि कोई भी एरिया में दंगा होती है, फसाद होती है, तो वहां प्रतिबंध लगाता है, क्या लगाता है भाई, वहां पर कानून क्या मतलब प्रशासनिक चीज लगा दिया जाता है, धाराएं लगा दी जाती हैं, ठीक है, कि यहां पर भाई धारा चालू है, यहां मत आओ ना जाओ, आओ ना, इंसान क्या होता है ना, आना जाना बंद हो जाता है, ठीक है। तो उस माहौल में, उस एरिया में क्या होता है, शांति और समृद्धि धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने, देखिए इंदिरा गांधी बहुत अच्छी नेता थी, ठीक है, अभी जाऊंगा थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। इंदिरा गांधी जो थी भाई, एक अच्छी, बहुत अच्छी नेता थी, ठीक है, मैं इनको मानना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री थी तत्कालीन, 1980 की मैं बता रहा हूं, वो प्रधानमंत्री थी। उन्होंने अपने दिमाग से क्या किया भाई, वहां प्रतिबंध लगा दिया, ना यहां लोग आएगा और ना ही लोग यहां जाएगा। जब आना जाना इंसान का बंद हो जाता है तो वहां क्या होता है भाई, वहां जो है घने जंगल हो जाते हैं, पूरे जो छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े बड़े है ना पेड़ बन जाते हैं 15 सालों में, ठीक है। तो यहां पर लोग आना जाना बंद होता है। लकड़ी के ठेकेदार उस क्षेत्र के सारे वृक्षों को अगर काट दिया होता, समझिए, अगर लकड़ी का ठेकेदार जो था भाई, अगर उस जगह का क्या किया होता, अगर पूरे जंगलों को, लकड़ियों को, पेड़ों को काट दिया होता तो क्या होता, तो वह क्षेत्र सदा के लिए क्या हो जाती, वृक्षहीन हो जाती, ठीक है, या सॉरी वृक्षहीन हो जाता। क्यों हो जाता भाई, वृक्षहीन मतलब क्या, एक भी वृक्ष ना रहना। तो आप तो जानते हैं ना प्यारे बच्चों, कि अगर हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना मिलेगा, और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो हमारी मृत्युकाल होनी ही होनी है, ठीक है। इसलिए दोस्तों, पेड़ पौधे को अपना भाई सम्मान माने, है ना, भाई माने, है ना, उन्हें अपना एक दोस्त माने, वह दोस्त जो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा, और जाए वो करेगा ना भाई, तो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। हम तो यही कहेंगे कि हमारे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ पौधा जरूर लगाए, अपने जीवन का यादगार, ठीक है, अपने जीवन का यादगार जरूर लगाए, अवश्य लगाए, ठीक है। जिस तरह अपने क्या बोलते हैं, अपने दोस्त को, सहेली को, गर्लफ्रेंड को कुछ ना कुछ आप लोग प्राइज देते हो, है ना, यादगार देते हो। इंसान तो टैटू छपवा ले रहा है कि तुम्हारा यादगार है, तुम्हारा नाम अपने सीने पर लिख के चल रहे हैं। अरे मेरे प्यारे भाई, ठीक है वो करो, है ना, बट कम से कम ऐसा भी करो कि किसी की याद में पेड़ तो भी लगाया करो, ताकि तुम्हारा तो नाम होगा ही होगा, बाकी इस पर्यावरण के लोग में, ये पर्यावरण में जो ये पृथ्वी लोक है, इस पृथ्वी लोक पे मानव जीव जंतु सभी हैं, सभी को तो ऑक्सीजन प्राप्त होंगे, क्यों जी बाबू, सही बोला ना। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों को लगा होगा आज का टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊंगा बहुत सारा चिपको आंदोलन पर। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आपका स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।